बैमलर रही लास्ट लेक्चर में हमने कैपिटल बजटिंग को शुरू किया था और उसमें कुछ बेसिक्स हमने सीखे थे आज हम उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और लेकिन थोड़े से डिफ़िकल्ट टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगी पर्टिकुलरली जहाँ पर हम सिर्फ़ कैश फ्लो की बात करते हैं हमें इन फ्लो और आउटफ्लो दोनों को देखना होता है तो इन पर्टिकुलर कोश्चन्स में आप देखिएगा कि ना सिर्फ सिंपल कैश फ्लो की बात हो रही है बल्कि कैश आउट फ्लो को भी हमने देखना है सेकेंडली हमने ये भी देखना है कि हाउ डीज डिफरेंट टेक्निक्स कंट्राडिक्ट टू ईच अदर और अल्टीमेट डिसीजन जो है वो हमें किस तरह से करना है फिर ये भी देखना है कि जो कैपिटल राशनिंग का एक इशू है कि हमें पैसे जो हैं वो एन एफ अवेलेबल नहीं होते बल्कि एक लिमिटेड अमाउंट होती है और उस लिमिटेड अमाउंट से ही हमने मुख्तलफ प्रोजेक्ट्स uh, में सिलेक्शन करनी होती है कि किस को हमने पहले लेना है किसको बाद में लेना है ताकि जो पैसे अवेलेबल हैं उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो जाए तो देखिएगा कि मैं आपको एक एक डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोस दिखाता हूँ कि किस तरह से हम डिफरेंट सिनेरियोस में किस तरह से डिसीजन मेकिंग करते हैं वे आर कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इन्वॉल्व ये कंपनी है जो एक न्यू पॉलिशिंग मशीन रिक्वायर कर रही है द मशीन फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस एंड मोस्ट प्रोडक्शन मैनुफेक्चर रिक्वायर पॉलिशिंग एट वेरियस स्टेजेस इन देयर प्रोडक्शन जितनी भी वो प्रोडक्शन बना रही है हर हर प्रोडक्ट को इस पॉलिशिंग मशीन से गुजरना पड़ता है ना पॉलिसिंग फैसिलिटी इज एक्सपेक्टेड टू बी रिक्वायर्ड फॉर एज लॉन्ग एज द फैक्ट्री रिमेन इन ऑपरेशन एंड नो क्लोजर कैन भी एंटिसपेटेड आपने कंपनी चलानी है और कोई क्लोजर उसमें एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा ना देखिए दो मशीनस हैं ए और बी दोनों की इनिशियल कॉस्ट अगर आप देखें फिफ्टी थाउजेंड और नाइन्टी थाउजेंड डिफरेंट है सिमिलरली लाइफ दोनों की डिफरेंट है और उनकी जो सोलविज वैल्यू है आफ्टर द लाइफ ए की चार साल के बाद पाँच हज़ार है और बी की सात साल के बाद सात हज़ार है और इनकी जो एनुअल रनिंग कॉस्ट है एनुअल रनिंग कॉस्ट साल की रनिंग कॉस्ट टेन थाउजेंड ए की है और एट थाउजेंड बी की है इन फगरों को देखकर तो अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है कि किस मशीन को हमें ऑप्ट करना चाहिए लेकिन ना एक पहली जो है वो तो चार साल के बाद आपको चार साल के बाद रिप्लेस करना पड़ जाएगी दूसरी जो है सात साल चलेगी तो उसको सात साल के बाद रिप्लेस करना पड़ जाएगी क्योंकि शुरू में बता दिया गया है कि पॉलिशिंग मशीन इज़ अ मस्ट जो भी प्रोडक्ट आप बनाएंगे वो पॉलिशिंग से होकर ही गुजरेगी दूसरी बात देखें कि इनकी जो रनिंग कॉस्ट है अगर उसकी बेस पर जाएँ आप तो छोटी मशीन पचास हज़ार की है लेकिन उसकी रनिंग कॉस्ट दस हज़ार है सिमिलरली जो बड़ी मशीन है उसकी रनिंग कॉस्ट कम है आठ हज़ार है तो प्रॉब्लम है कि किस तरह से डिसाइड करें कि ए को लें या बी को लें इनके लिए कोशिश ये करनी पड़ती है कि किस तरह से हम अपना इन कॉस्टिंग को यानी इनकी जो कॉस्ट है ओवरऑल फोर इयर्स और सेवन इयर्स पर कैसे हम वर्कआउट करेंगे कि क्या हम चार साल की मशीन को चार सालों के हिसाब से देखें और सात साल की मशीन को सात सालों के हिसाब से देखें लेकिन अगर हमने इनको इक्वेट करना है कि दोनों में से एक सेलेक्ट करनी है तो ये नहीं हो सकता कि हम अलग अलग देखें बल्कि उनको एट वन पैरामीटर पर लाकर देखना पड़ेगा और एक वन पैरामीटर बनाने के लिए फिर हमें एक कैलकुलेशन करनी पड़ती है जिसको हम कहते हैं एनुअल इक्वलेंट वैल्यू अब ये एनुअल इक्वलेंट वैल्यू क्या है कि अगर हम दोनों मशीनों को कहें कि अभी इनकी चार और सात साल दो अलग अलग लाइफ है ना अगर हम ये चाहें कि एक साल के बाद इन दोनों मशीनों की कॉस्ट हमें क्या पड़ती है यानी पर एन हमें कॉस्ट क्या पड़ती है तो उसके लिए फिर हमें एनुअल इक्वल वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगी हमने यहाँ पर डिस्काउंट रेट जो यूज़ किया है वो टेन परसेंट है और हमने देखना है कि किस मशीन को हमने रिकमेंड करना है अब देखिए इसमें वन ऑफ द मशीन इज नी एंड बोथ मशीन आर ज्यूम टू बीवली इफेक्टिव एट पॉलिसिंग सच ए मशीन अच्छा इसमें कैपेसिटी की बात नहीं हो रही याद रखें एक बड़ी है एक छोटी है तो हो सकता है छोटी की कैपेसिटी कम हो और बड़ी की कैपेसिटी ज़्यादा हो लेकिन उसमें कैपेसिटी की बात वो नहीं कर रहा इनडेफिनेट पीरियड के लिए रिक्वायर्ड है एंड विच वी एज्यूम कुड एक्सीड द यूजफुल लाइफ ऑफ आइदर मशीन बट मशीन विल हैव टू बी रिप्लेस एट द एंड ऑफ देयर लाइफ यानी पॉसिबिलिटी तो है कि आप उसको कंटिन्यू कर सकेंगे चार साल के बाद भी सात साल के बाद भी लेकिन एज ए पॉलिसी दे हैव टू रिप्लेस आफ्टर फोर ईयर्स ऑफ मशीन ए

ज़ीरो ईयर में आपका पचास हज़ार का आउटफ्लो है अब ये आउटफ्लो देखे मैंने ब्रैकेट में नहीं लिखा क्योंकि इसमें जो कॉस्ट की बात हो रही तो कॉस्ट को हम ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे बल्कि रेवेन्यू जो इनफ्लो है उसको ब्रैकेट में लिखेंगे यानी माइनस में जो है वो इनफ्लो है और जो माइनस में नहीं है वो आपका आउटफ्लो है तो ज़ीरो ईयर में आपने फिफ्टी थाउजेंड खर्च किए और ईयर वन टू फोर प्रीवियसली अगर आपने देखा होगा तो उसमें था वन टू थ्री फोर अब हम इसको शॉर्ट कर रहे हैं कि वन टू फोर यानी हमें प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्यूटी को लेना है क्यूमलेटिव को कंसिडर करना है ना कि बार बार हमें एक से लेकर कर चार तक लिखें और फिर उसकी कैलकुलेशन करें नो वी हैव टू इट इसलिए वन टू फोर आपको टेन थाउजेंड की ऑपरेटिंग कॉस्ट पड़ और इस तरह से फोर्थ ईयर के एंड पर आपको पाँच हज़ार का जो है वो इनफ्लो आ रहा है बिकॉज ऑफ रेजिडुअल वैल्यू अब इसकी अगर आप प्रेजेंट वैल्यू निकालें डिस्काउंट फैक्टर लेंगे आपका टेन परसेंट वन जीरो ईयर में और चार साल का क्यूमलेटिव फैक्टर जो है वो थ्री पॉइंट वन सेवन जीरो है और फोर्थ ईयर का जो है सिंपल एन फैक्टर वो पॉइंट सिक्स एट थ्री है तो नेट प्रेजेंट वैल्यू सेवेंटी एट थाउजेंड टू एटी फाइव मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये कॉस्ट की वैल्यू है इनफ्लो नहीं है याद रखें तो जहाँ कॉस्ट की बेस पर डिसीजन होता है वहाँ पर यह देखना होता है कि कॉस्ट कम कहाँ है यानी कैश फ्लो की बेस पर तो देखते हैं ना कैश पॉजिटिव नेट फ्लो कहाँ ज़्यादा है ये कॉस्ट है तो यहाँ पर जो कॉस्ट कम होगी वो डिसीजन होगा तो इसमें हमने देखें एनअल इक्यूनिट वैल्यू निकालने के लिए क्या किया कि जो आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू आई है उसको आपने चार साल के क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेन परसेंट का जो है उससे डिवाइड किया है तो आपकी कॉस्ट आई ट्वेंटी फोर थाउजेंड सिक्स नाइन्टी सिक्स इसका मतलब ये है कि अगर आप मशीन ए लेते हैं और इसको चार साल चलाते हैं तो हर साल आपकी जो एवरेज कॉस्ट उसको रनिंग कॉस्ट पड़ेगी वो बनेगी आपकी चौबीस हज़ार छः सौ छियानवे इसी तरह आप बी को देखें बी मशीन जो है उसकी कॉस्ट है आपकी नाइन्टी थाउजेंड और चलेगी वो सात साल तो वन टू सेवन इयर्स आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट पर एन जो है वो एट थाउजेंड है और सेवन्थ ईयर के एंड पर आपको सात हज़ार वापस आएगा और टेन परसेंट के हिसाब से आप देखें कि उनके जो फैक्टर्स बनते हैं जीरो ईयर में तो वन ही है लेकिन वन टू सेवन क्यूमलेटिव फैक्टर अगर 10% का आप देखेंगे टेबल पर तो वो 4.86 है और सेवंथ ईयर में आप देखेंगे उसका सिंपल फैक्टर जो है वो 5.13 है इस तरह से जब आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं तो 90,000 तो एज इट इज़ आएगा फिर 38,944 है और फिर 3.591 सो नेट प्रेजेंट वैल्यू इसमें वन है अब आप एक चीज नोट किए कि ए मशीन की जो नेट प्रजेंट वैल्यू है सेवनटी है और बी मशीन की जो है वन ट्वेंटी फाइव थ्री फिफ्टी थ्री है तो इन दोनों फिगरों की बेस पर डिसीजन नहीं हो सकता आपको एनुअल इक्वलेंट वैल्यू निकालना पड़ेगी और एनुल आप नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है आपकी उसको आप डिवाइड करेंगे सेवन्थ ईयर के एक्मुलेटिव फैक्टर से तो ये बनता है पच्चीस अब दोनों का एनुअल इक्वलेंट वैल्यू को अगर आप सामने रखें तो क्लियरली नज़र आ रहा है कि ए मशीन की कॉस्ट पर एनम जो है वो कम है जबकि बी मशीन की एनुअल कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है तो डिसीजन मेकिंग के लिए हमें क्या करना होगा कि मशीन ए को प्रेफर करना पड़ेगा लेकिन इसके साथ साथ देखिएगा कि ए मशीन जो है वो चौबीस हज़ार छः सौ छियानवे रुपये के कैले के पाउंड में जो है वो ऑपरेट कर रही है पर एन और बी मशीन जो है वो पच्चीस हज़ार सात सौ पचास में सो so, डिफरेंशियल जो है वन थाउजेंड फिफ्टी फोर का है क्योंकि फिग्रें ये छोटी हैं इट डजेंट मीन लेकिन डिसीजन मेकिंग इसी तरह से करनी है कि जिस मशीन की एनुअल इक्वलेंट कॉस्ट कम होगी उसको हम ऑप्ट करेंगे अच्छा सिंस ए वी और मशीन ए इज़ लेस देन देर मशीन बी फॉर एन एनुअल इक्वल वैल्यू ऑफ दिस मशीन ए शुड बी परचेज इफ़ कॉस्ट इज़ दी ओनली फैक्टर रेलिवेंट टू द डिसीजन मेकिंग याद रखें सिर्फ कॉस्ट ही फैक्टर नहीं होता कुछ और फैक्टर्स भी हमें सामने रखने पड़ते हैं जैसे मैंने कहा कि इसकी कैपेसिटी की बात हमें नहीं पता इसकी कैपेसिटी ए की कितनी और बी की कितनी क्या सेम है क्या वो ज़्यादा बेहतर है ए बी ज़्यादा बेहतर है देखना पड़ेगा कि इसके अदर फैक्टर्स क्या हैं अब आएं इसमें एक और सवाल आत शुड इनिशियल कॉस्ट ऑफ बी बी टू मेक दी टू मशीन ऑफ इक्वल फाइनेंशियल अट्रैक्टिवनेस जैसे हमने ब्रेक इवन पॉइंट में देखा था याद है कि अगर दो मैथड्स से एक काम कर रहे हैं तो दोनों मैथड को इक्वेट करने के लिए हमें एक ब्रेक इवन पॉइंट निकालना पड़ता है तो यहाँ पर भी हम ये देखना चाह रहे हैं कि हम इन दोनों को अगर बराबर करना चाहते हैं किस तरह से कि कौन दोनों मशीनों की बराबर अगर आए तो उसकी किसकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए तो देखिए दी ई वी मशीन और बी हैव टू बी डिक्रीज बाय 1054 अगर आप बी की मशीन को एक इक्वलेंट लाना चाहते हैं तो फिर आपको बी मशीन की जो इक्वलेंट कॉस्ट है 1054 उसको कम करना पड़ेगा कहाँ कितना लाना पड़ेगा 24696 तक लाना पड़ेगा अच्छा अगर हम मल्टीप्लाई करें दिस कीमुलेटिव डिस्काउंट फैक्टर फॉर ईयर है वन टू सेवन ट्वेंटी से तो ये, ये आपको देगा हंड्रेड ट्वेंटी थाउजेंड टू ट्वेंटी इसका मतलब ये है कि आप ए मशीन बी मशीन की जो है कॉस्ट जो है देखें दिस इज फाइव थाउजेंड वन थर्टी थ्री ज़्यादा है यानी आपकी ऑलरेडी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रही है बी मशीन की वो वन ट्वेंटी फाइव थ्री फिफ्टी थ्री है अगर हम इसको एक एक विलियेंट करते हैं तो ए की कॉस्ट बननी चाहिए थी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी विच इज़ लेस देन दी प्रेजेंट वैल्यू सिंस दी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द रनिंग कॉस्ट एंड सॉलेज वैल्यू विल नॉट ऑल्टर हमेशा याद रखें ओरिजिनल जो उसकी बेसिक कॉस्ट इनिशियल कॉस्ट है उसमें चेंज आ सकती है रनिंग कॉस्ट को चेंज नहीं करेंगे आप इसी तरह उसकी रेजिड वैल्यू को भी चेंज नहीं करेंगे सो इनिशियल कॉस्ट ऑफ मशीन बी विल हैव टू बी डिक्रीज बाई फाइव थाउजेंड वन थर्टी थ्री टू मेक बोथ मशीन ऑफ इक्वली अट्रैक्टिव दिस कैन बी अप्रूव बाई रिकल्कुलेशन ऑफ द फिगर्स ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है देखें कि अगर हम इसको रिकैलकुलेट करते हैं रिवाइज इनिशियल कॉस्ट जो है वो एट्टी फोर थाउजेंड एट सिक्सटी सेवन हो जाएगी 84,867 तो डिस्काउंट फैक्टर वन और प्रेजेंट वैल्यू जो है एट्टी एनुअल रनिंग कॉस्ट 8,000 और उसका फैक्टर वही सात साल का 4.688 और फिर सॉलेज वैल्यू भी सेम और आप देखिएगा कि आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो हंड्रेड हो जाती है तो ये भी पॉसिबल है कि हम दोनों मशीनों को इक्वेट करने चाहें तो हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि दोनों मशीनों की इनिशियल कॉस्ट में क्या फ़र्क पड़ेगा अब देखना ये कि इसमें क्या हम सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ही को कंसिडर करते हैं नहीं कॉस्ट के साथ साथ हम और बहुत सारे फैक्टर्स को भी देखते हैं जैसे मैंने कहा कि क्या जो नई मशीन्स आप लेने जा रहे हैं उसकी ऑपरेशन के लिए क्या आपको कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत है या कोई और एडिशनल कॉस्ट आपको करना रही है तो हमने टोटल कॉस्ट को कंसीडर करते हुए ले चलना है ये नहीं है कि सिर्फ़ आप सिंपली आप, आप एनअल इक्वल एट वैल्यू ही को देख कर डिसीजन कर लेंगे नहीं अदर फैक्टर्स टू ऑल्सो भी कंसिडर अब देखिए एक और छोटा सा इशू देखिएगा कि एक मीटिंग में डिसीजन हो रहा है और वो डिसीजन नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करना है तो इस सिनेरियो को देखिएगा पूरी तरह से कि देर वॉज ए कन्फ्यूजन ऑन हाउ टू अप्रोच द प्रॉब्लम ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू एनालिसिस फॉर एन ऑटोमेशन पर्पज इन ए होप एंटरप्राइज मैंने जैसे बताया कि प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोग नेट प्रेजेंट वैल्यू को प्रेफर करते हैं कुछ आई को प्रेफर करते हैं कुछ और इससे भी ज़्यादा आगे चलते हैं तो so, इन सब में इश्यूज़ तो हैं लेकिन टाइम टू टाइम हमें देखना पड़ेगा कि किस प्रपोजल में या किस सिनेरियो में हमें क्या करना चाहिए तो इस केस में क्या हो रहा है कि दे वर कन्फ्यूज दे वर नॉट हैप्पी कि जी नेट प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से हमारी जो कैलकुलेशन आ रही हैं वो ठीक हैं एंड दे हैव अप्रिशिएटेड फॉर ए कंसल्टेंसी फॉर्म द प्रोफेशनल एसोसिएशन ऑफ मैनेजमेंट वेयर आर लकी अवेलेबल एंड द प्रपोजल हैज़ बीन मार्क टू यू द डाटा एंड डायलॉग आर गिवन बिलो अब देखें वो जो डिस्कशन हुई है वो सारी आपके सामने में लिखता पढ़ता हूँ और फिर हमने डिसीजन करना है कि जी कैसे डिसीजन लेना है सो so, जो डिस्कशन है उसमें आई एम नॉट श्योर वी शुड ले आउट रुपीज फाइव हंड्रेड थाउजेंड फॉर दटोमेटेड वेल्डिंग मशीन सेट द होप फुल प्रेजिडेंट ऑफ द होप फुल एंटरप्राइज यानी प्रेसिडेंट कह रहा है कि मैं नहीं समझता मैं आई एम नोट श्योर कि जी मैं ये पाँच लाख रुपया जो है वो खर्च कर दूँ इस न्यू ऑटोमेटेड वेल्डिंग मशीनस पर दैट इज़ अ लॉट ऑफ मनी एंड इट वुड कॉस्ट अस एटी थाउजेंड फॉर सॉफ्टवेयर एंड इंस्टॉलेशन तो ना सिर्फ पाँच लाख रुपया मशीन की खर्चा आएगा बल्कि उस पर आपको इंस्टॉलेशन का सॉफ्टवेयर का भी एटी थाउजेंड रुपीज़ ख़र्चा आएगा एन अनदर थ्री थाउजेंड एवरी मंथ जस्ट टू मैंटेन द थिंग्स और मैंटेनेंस की कॉस्ट भी तीन हज़ार पर एन एम पर मंथ आपको पड़ेगी सो देखें उसकी प्रॉब्लम कि एक तो मशीन की कॉस्ट है पाँच लाख दूसरे उसकी इंस्टॉलेशन की कॉस्ट है अस्सी हज़ार और फिर हर महीने उसकी मैंटेनेंस कॉस्ट जो है वो भी तीन हजार आपको पड़ेगी इन एडिशन दी मैनुफेक्चरर एडवाइज देट इट वुड कॉस्ट फोर्टी फाइव थाउजेंड मोर देट एट देंड ऑफ सेवन ईयर्स टू रिप्लेस वार्ट एक और इशू सात साल के बाद आपको इसके कुछ पार्ट्स रिप्लेस करना पड़ेंगे और उसमें फर्दर आपको फोर्टी फाइव थाउजेंड रुपीज़ खर्च करना पड़ेगा सो सी द प्रॉब्लम एक तो कॉस्ट मशीन की फिर इंस्टॉलेशन की कॉस्ट और फिर उसकी मेंटेनेंस uh, की कॉस्ट और फिर ये कि जो पार्ट्स उसके टूट फूट जाएंगे उनकी रिप्लेसमेंट की कॉस्ट सो इज़ वरीड एडमिट इट इज़ अ लॉट ऑफ मनी से होपफुल जूनियर दी कंट्रोलर बट यू नो दर्न ओवर प्रॉब्लम वी हैव हैड विद दी वेल्डिंग करू लेकिन जो जूनियर है जो उसका असिस्टेंट है वो कहता है कि देखें आपकी बात सही है कि इसमें पैसे तो ज़्यादा लग जाएंगे लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमें जो वेल्डिंग क्रू uh, है उसकी तरफ से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो कह रहे हैं कि शायद ये मशीन ठीक नहीं है हमें इसको चेंज करें तो इसलिए दिस मशीन वुड रिप्लेस सिक्स वेल्डर्स एट ए कॉस्ट सेविंग ऑफ हंड्रेड एंड एट थाउजेंड पर ईयर अब देखें उसकी अप्रोच वो कहता है कि चूँकि वेल्डर्स की तरफ से प्रॉब्लम है अगर आप ये ऑटोमेटेड मशीन ले आते हैं तो हमें एक लाख आठ हजार की सेविंग होगी पर ईयर वेल्डिंग वेल्डर्स की सैलरी में से एंड वुड सेव अनदर सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड पर ईयर इन रिड्यूसिंग मटेरियल वेस्ट देखिए ऑटोमेटेड में जब आप वेल्डिंग करेंगे तो उससे मटेरियल की सेविंग हो जाएगी और वो भी वो कह रहा है कि सिक्स पर ईयर इन रिड्यूसिंग मटीरियल वेस्ट वेन यू फिगर आउट

लेट सी और फिर बारह साल मशीन ने चलना है तो लेट सी के हमें इनके कैलकुलेशन में कैसे देखें आगे देखें प्रेजेंट क्या कहता है आम स्टिल कन्विंस काउंटर होपफुल वी कैन ओनली गेट ट्वेल्व थाउजेंड स्क्रैप वैल्यू आउट ऑफ अवर ओल्ड वेल्डिंग मशीन जो पुरानी वेल्डिंग मशीन है वो कहता है अगर इसको बेचने जाते हैं तो हमें सिर्फ बारह हज़ार रुपए इसके वापस होते हैं एंड दी एंटायर न्यू मशीन विल बी वर्थ इन ट्वेल्व ईयर्स ऑफ ट्वेंटी थाउजेंड जो नई मशीन आप खरीद के जा रहे हैं पाँच लाख वाली उसके आपको मिलेंगे बीस हज़ार और उसके बारह साल की लाइफ के बाद बट हैव यू पीपल कंपाइल द फिगर्स एंड वी विल टॉक अबाउट दैम एट दी एग्जैक्टिव मीटिंग नेक्स्ट वीक तो लेट्स के हमारी दोनों सूरतों में यानी अगर हम नई मशीन लगाते हैं तो हमारी इनफ्लो आउटफ्लो क्या होगा और उसकी बेस पर फिर हमने उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो पहली रिक्वायरमेंट तो यही है कंप्यूट द नेट एनुअल कॉस्ट सेविंग प्रोमिस बाई दी ऑटोमेटेड वेल्डिंग मशीन एंड इन्वेस्टमेंट नीडिड पहला काम तो ये है कि हमने देखना है कि हमें नेट एनुअल कॉस्ट सेविंग क्या होती है लेट्स सी मशीन कॉस्ट फाइव हंड्रेड थाउजेंड इंस्टॉलेशन कॉस्ट एटी थाउजेंड टोटल फाइव एटी थाउजेंड स्क्रैप वैल्यू ऑफ दी ओल्ड मशीन अगर आप नहीं लेकर आएंगे तो ऑबियसली आपको ओल्ड को जो है वो स्क्रैप करना पड़ेगा और आपको बारह वापस आएंगे नेट इन्वेस्टमेंट नीडिड इज़ फाइव अब इसमें सेविंग क्या होगी वेल्डर सैलरी वन जीरोट थाउजेंड पर एन एम मटेरियल रिडक्शन वेस्ट सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड पर एन एम टोटल वन हंड्रेड एंड फोर्टीन थाउजेंड फाइव फाइव हंड्रेड एंड द इंक्रीज़ इन मेंटेनेंस कॉस्ट याद रखिए ये इंक्रीज़ ये सेविंग नहीं है वो जो तीन हज़ार बता रहा था पर मंथ के हिसाब से तो बारह महीने की जो एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ेगी वो थर्टी सो नैट सेविंग आपको बनेगी 78, अब आप देखें कि पर सेविंग आपकी है और आपकी जो नेट इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगी वो है फाइव सिक्सटी एट थाउजेंड आसान लफ्ज़ों में ज़ीरो ईयर में आपको खर्च करना पड़ रहा है फाइव सिक्सटी एट थाउजेंड और ऑनवर्ड ईयर वन टू ट्वेल्व आपको जो सेविंग मिलेगी सेवेंटी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड पर एनएम के हिसाब से बट डोंट फॉरगेट सात साल के बाद आपको वो आउट पार्ट पार जो हैं उनको रिप्लेस करना पड़ेगा तो सेवन्थ ईर में आपको एक और कैश आउटफ्लो करना पड़ेगा विच इज़

इसलिए फिर हम इसको इस तरह से लेंगे कि क्यूमोलेटिव फैक्टर लेंगे 12 साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एन्यूटी से और वो बनता है 5.197 और इससे मल्टीप्लाई करें तो ये 407964 बनता है और सेवन्थ ईयर में आपको मजीद ख़र्चा करना पड़ रहा है पैंतालीस हज़ार का तो यहाँ पर आप देखें कि सेवन्थ ईयर का फैक्टर लेना है सोलह परसेंट पर क्योंकि समटाइम हम ये फैक्टर लेने में गलती कर देते हैं तो उसकी वजह से आंसर गलत हो जाता है सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल सेवन्थ ईयर में जो आपका 16 परसेंट पर प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर है वो लेना है विच इज़ पॉइंट थ्री फाइव फोर और ट्वेल्थ ईयर में जो वापस पैसे आ रहे हैं एज ए रेजिडअल वैल्यू आपके पास ट्वेंटी थाउजेंड की उसका भी ट्वेल्थ ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लेना है विच इज़ पॉइंट वन सिक्स एट अब इन सब को आप नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये माइनस में आ रहा है वन सेवेंटी टू सिक्स ज़ीरो फाइव थाउजेंड अब देखिए यहाँ क्लियर हो गया कि जी इसमें तो हमें नुकसान है के नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो पॉजिटिव नहीं आ रहा तो इसलिए हमें ये वेल्डिंग मशीन को नहीं लेना चाहिए लेकिन इसमें जो सीन तो ये हो गया क्योंकि इसमें हमें नुकसान है इसलिए हमें इसको नहीं लेना चाहिए लेकिन आप एक और जो उनकी डिस्कशन वो सोच रहे हैं उसके बारे में भी देखिएगा थर्ड पार्ट है इसका अज्यूम दैट मैनेजमेंट कैन आइडेंटिफाई सेवरल इनटेंजिबल बेनिफिट्स इनटेंजिबल बेनिफिट देखिए अगर मैनुअली वेल्डिंग करते हैं तो उसमें चांसेस होते हैं कि वो स्मूथ नहीं होती है प्रॉब्लम हो जाती है इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग में काफ़ी स्मूथनेस आती है और आप ज़रा सोचें कि हम छोटे मोटी वेल्डिंग की बात नहीं कर रहे इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स जो हैं इंडस्ट्रियल जो वेल्डिंग का काम होता है उसमें बड़ी प्रोसीजन चाहिए होती है तो दैट्स वाई दे आर थिंकिंग के जी देर आर सम अदर बेनिफिट्स ऑल्सो एसोसिएटेड विद द ऑटोमेटेड वेल्डिंग मशीन Including greater flexibility in shifting from one type of product to another type, improved quality of output, and faster delivery as a result of reduced throughput time, what amount per year would management have to attach to these intangible benefits in order to make the new welding machine as acceptable investment? So, that you cost ki base par jayen, aap ye bhi isse jo allied benefits सो वी शुड कंसिडर दैट ऑल हाँ अगर वो बेनिफिट्स की देखिए आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है तो अगर उन बेनिफिट का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 172,000 ज़्यादा बनता है तो देन वी शुड गो फॉर द वेल्डिंग मशीन लेकिन अगर आपके उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है उससे कम बनती है तो फिर हमें इस मशीन को ऑटोमेटिक नहीं करना चाहिए तो दिस इज़ हाउ समाइम वेरियस डिस्कशंस में जो प्रॉब्लम राइज होती हैं उनको किस तरह से सॉर्ट आउट करना है ये नहीं है कि आप ज़बानी जमत तफरीक करके बताएँगे बल्कि प्रूव करेंगे विथ सर्टन कैलकुलेशन और ये कैलकुलेशन ठीक है इसमें एजम्शन होती हैं बट स्टिल एक आपके सामने एक फ्रेमवर्क तो है ना कि किस तरह से हम डिसाइड करें कि क्या हमें इस मशीन को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए और देखें थोड़ी सी और मुश्किल चीज़ें मैं इसमें और दिखाता हूँ आपको कि सिर्फ यहाँ तक नहीं है बल्कि अब देखिएगा कि जो कैपिटल राशनिंग का जशू है उसको आप समझने की कोशिश करें कि ये कैपिटल राशनिंग है क्या कैपिटल राशि एन अ कंपनी चूज नॉट टू फंड ऑल पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रोजेक्ट्स यहाँ देखें सिंपली बात क्या है कि देखिए जी सारे प्रोजेक्ट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो क्या हम सारे एक्सेप्ट कर लें पॉसिबल नहीं हो सकता हम हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम हर प्रोजेक्ट को ऑन कर सकें लेकिन एक चीज़ नोट करें मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि देर आर सर्टन प्रोजेक्ट्स जो लीगली आपको ऑन करना पड़ते हैं उनको तो आप प्रायरिटी नंबर 1 ही देंगे पसंद देखिए अगर आप डाइंग एंड फिनिशिंग का काम करते हैं तो उसमें जो केमिकल डाइंग फिनिशिंग के बाद निकलता है उसकी डिस्पोजल के लिए बकायदा आपको एक प्लांट लगाना पड़ता है तो आप डाइंग एंड फिनिशिंग का कारोबार कर ही नहीं सकते जब तक कि आप वो प्लांट नहीं लगाएंगे क्योंकि वो गवर्नमेंट की तरफ से रिस्ट्रिक्शन है कि ये अनलेस अनलेस यू शो आस हाउ टू डिस्पोज ऑफ़ दिस इसको हम कहते हैं हैवी वाटर कि किस तरह से इसको हम निकालेंगे ताकि हमारे इन्वामेंट में प्रॉब्लम ना आ जाए इसी तरह आपने टेंडरी का देखा होगा कि टेंडरी में भी यही इशू होता है कि वहाँ पर भी जो केमिकल यूज़ होते हैं और उसके से पानी वेस्ट निकलती है उसको किस तरह से डिस्पोज ऑफ किया जाता है तो कैपिटल राशनिंग ठीक है लेकिन उन प्रोजेक्ट के लिए है जहाँ आपके पास चॉइस है जहाँ आपके पास चॉइस नहीं है वहाँ उस प्रोजेक्ट को आपको ऑन करना ही पड़ेगा तो इसमें देखें द कंपनी टिपिकली सेट्स एन अपर लिमिट ऑन द टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर एट इट वुड मेक इट अपकमिंग ईयर यानी इसमें दो तरह से आप सोचेंगे कि एक है कैपिटल राशनिंग जिसको हम कहते हैं सॉफ्ट सॉफ्ट कैपिटल राशनिंग क्या है कि आपने अपने प्रोग्राम के मुताबिक स्ट्रेटजिक प्रोग्राम है आपका कि जी हम हर साल इनोवेशन करेंगे और इतनी अमाउंट जो है उन्हें रिजर्व कर दी है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए तो वो अमाउंट हम हर साल यूज़ करेंगे ये तो है सॉफ्ट कि आपने पहले से तय किया हुआ है अपनी लिमिट खुद से लगाई हुई है हार्ड कैपिटल राशनिंग में ये होता है कि आपके प्रोजेक्ट तो सभी फिजिबल हैं लेकिन आपको फंड्स अवेलेबल नहीं हैं टू ओन ऑल द प्रोजेक्ट्स यानी सारे प्रोजेक्ट के लिए पैसे अवेलेबल नहीं हैं एक लिमिट है उस पैसे में ही हमें देखना है फिर हमें वहाँ सोचना पड़ेगा कि किस किस प्रोजेक्ट में हमें पैसे लगाने चाहिए तो ये सॉफ्ट और हार्ड कैपिटल लाचने की बात है अच्छा कंपनी वॉन्ट्स टू अवॉइड द डायरेक्ट कॉस्ट फ्लोटेशन का अच्छा पैसे किधर से आएंगे ये भी देखिएगा अगर तो आप मार्केट में जाकर पैसा रेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको शेयर इशू करना पड़ेंगे और शेयर इशू करते हैं तो उसकी फ्लोटेशन कॉस्ट होती है फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब ये कि जब आप शेयर मार्केट में लाते हैं एडवर्टीज़मेंट करते हैं बैंक को भी कमीशन देना पड़ता है तो ये उसकी कॉस्ट पड़ती है और ये कॉस्ट भी ठीक ठाक होती है ये इनडायरेक्ट कॉस्ट भी होती है एक इनडायरेक्ट कॉस्ट भी होती है एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट भी है अब देखेंगे कि ये कैपिटल राशन का जो एक इशू है कि क्या हम सारे के सारे जो प्रोजेक्ट एन में पॉजिटिव आते हैं एक्सेप्ट कर लिए जाएँ या ना किए जाएँ तो क्वेश्चन ये है कि फ़ंड्स कितने अवेलेबल हैं टू ऑपरेट दोज प्रोजेक्ट्स तो उसमें हमें एक लिमिटेशन होती है कि या तो कंपनी खुद से एक लिमिट लगा देती है कि जी हम हर साल इतनी अमाउंट के न्यू कैपिटल प्रोजेक्ट्स लगाएंगे तो वो खुद से जो एक लिमिट लगाएगी उसको कहते हैं सॉफ़्ट कैपिटल राशनिंग यानी आपने पहले से तय किया हुआ है कि हम हर साल इतनी अमाउंट्स के जो है न्यू कैपिटल प्रोजेक्ट्स ऑन करेंगे और दूसरी सूरत ये होती है कि अगर आप के पास लिमिटेड फ़ंड्स ही अवेलेबल हों यानी आप कहीं और से अरेंजमेंट नहीं कर पाते हैं जो फंड्स थोड़े अवेलेबल हैं उन्हीं को हम लेकर चलते हैं तो फिर भी प्रॉब्लम ये आती है कि जी क्या हम किस प्रोजेक्ट को प्रायोरिटी दें और किस को प्रायरिटी ना दें और ये वही प्रोजेक्ट जैसे मैंने शुरू में कहा कि जिनमें आपके पास चॉइस है जहाँ चॉइस नहीं है उसको तो नंबर वन ही करना पड़ता है तो ये सॉफ्ट और हार्ड कैपिटल राशि का कॉन्सेप्ट है सॉफ्ट में ये है, है है। ये है कि आपने लिमिट लगाई हुई है हार्ड में ये है कि फंड्स अवेलेबल नहीं हैं उसकी रीज़न ये है कि चूँकि आप अगर मार्केट में जाते हैं फंड्स रेस करने के लिए और शेयर इशू करते हैं तो उसकी इशुंस की कॉस्ट जिसको हम फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं वो भी बहुत ज़्यादा पड़ती है इसलिए हम कोशिश यही करते हैं कि जो फंड्स अवेलेबल हैं उनको कुछ इस तरह से एलोकेट किया जाए कि जो इमीडिएटली नीडिड प्रोजेक्ट्स हैं उनमें हमें इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए अच्छा एक तो ये है दूसरी साइड पर यह भी होता है कि आपके पास सरप्लस फंड्स होते हैं और उसमें से कुछ फंड्स जो हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगाना चाहिए तो देखना ये है कि हमें किस प्रोजेक्ट में लगाने चाहिए और किस में नहीं लगाने चाहिए इसकी रीज़निंग uh, जो है मसन कंपनीज बिलीव दट दी प्रोजेक्ट मैनेजर फोरकास्ट अनरी रिजनेबली हाई कैश फ्लो एस्टिमेट्स और द कंपनी फिल्टर आउट दी वर्स्ट प्रोजेक्ट्स बाई लिमिटिंग द टोटल अमाउंट ऑफ प्रोजेक्ट्स दैट कैन बी एक्सेप्टड यानी आप जब उनकी प्रोजेक्शंस कर रहे होते हैं ना तो उनमें भी तो एक इश्यू होता है न कि मैनेजर्स जो है, वो हैं वो चाहते हैं कि एक नया प्रोजेक्ट लग जाए और उसमें वो अपने एस्टिमेट्स जो हैं थोड़ा सा जिसको कह लेंगे ऑप्टीमल के लेवल पर चले जाते हैं विच इज़ नॉट फेयर एक्चुअली तो देखना यही पड़ेगा कि हमने उसका सोल्यूशन क्या निकाला गया है कि हमने जो पहले पिछले सालों में जो प्रोजेक्ट लगाए हैं उनकी हमने पोस्ट ऑडिट अगर आपको याद रहा हो कि मैंने बताया था कि फैक्टर्स देखने पड़ते हैं बिफोर वी ओन अ सर्टन प्रोजेक्ट और उसमें लास्ट वन था मैंने बताया कि पोस्ट कम्पलीशन ऑडिट की बेस पर हम डिसाइड करते हैं कि हमने जो नॉर्मली आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट के जो भी प्रोजेक्ट होते हैं इनिशियली कहा जाता है कि जी ये फ़र्श करें दस करोड़ में हो जाएगा पता चलता है टूअर्ड एंड जाके वो पंद्रह बीस करोड़ से भी ज़्यादा खर्च हो जाता है तो ये देखना पड़ेगा कि वेरिएशन्स कितनी आती है तो उसकी बेस पर डिसीजन करना पड़ता है तो हमें देखना है कि प्रीवियस एक्सपीरियंस हमारा क्या कहता है और हमारे जो मैनेजर्स हैं या जो इंडिविजुअल ऑपरेटिंग मैनेजर्स हैं उनकी एस्टिमेट्स क्या थी अब मैं आपको एक इनस्ट्रेशन के थ्रू समझाता हूँ कि किस तरह से हम कैपिटल राशनिंग को यूज करते हैं प्रैक्टिकली ये कंपनी है जो हाफ ए डजन कैपिटल इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स उनके सामने हैं एंड दे हैव एलोकेटेड है मिलियन रुपीस फॉर कैपिटल बजटिंग पर्पजेज द फॉलोइंग प्रपोजल एंड एसोसिएट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्सेस हैव बीन इंडेक्स द प्रोजेक्ट दें आर इंडिपेंडेंट ऑफ वन एंड अदर आपको याद होगा कि मैंने जो डिफरेंट टेक्निक्स बताई थी उसमें प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की बात भी की थी और वो सिंपली क्या था प्रेजेंट वैल्यू को आप डिवाइड कर देते हैं इनिशियल कॉस्ट ऑफ एसेट से तो इस क्वेश्चन में देखिएगा कि आपके पास हाफ ए डजन प्रोजेक्ट्स हैं एक है एक्सटेंड स्काई लिफ्ट बिल्ड ए न्यू स्पोर्ट्स शॉप एक्सटेंड स्काई लिफ्ट नंबर लिफ्टोर बिल्ड ए न्यू रेस्टोरेंट एड ए हाउस कॉम्प्लेक्स और बिल्ड एन इनडोर स्केटिंग रिंग अब ये छह प्रोजेक्ट्स हैं आपके, आपके पास टोटल अमाउंट अवेलेबल आपके पास वन मिलियन है हर प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट बता दी है ये सारे ऑन नहीं किए जा सकते उसकी रीजन अगर आप इन सब को ऐड ऑन करें तो ये एक मिलियन से ज़्यादा का ख़र्चा है अब देखना ये है कि एक मिलियन में हम इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट जो है उसको ऑन कर सकते हैं या किस किस प्रोजेक्ट को हम ऑन कर सकते हैं अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को देखें वन पॉइंट वन है एक्सटेंड लिफ्ट थ्री को और स्पोर्ट्स शॉप के लिए पॉइंट नाइन फाइव यहाँ नोट कीजिएगा एक पॉइंट ऐसा प्रोजेक्ट्स जिसमें प्रॉफिटबलिटी इंडेक्स वन से कम हो जाएगा उसको तो स्ट्रेट अवे हम ओन नहीं करते हैं स्ट्रेट अवे ओन नहीं करते लेकिन देखना यह पड़ेगा कि जो पैसे हैं उसके इस्तेमाल में क्या इस प्रोजेक्ट को लाकर हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू बेहतर होती है या नहीं होती है ये हमें देखना पड़ता है अदरवाइज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स स्ट्रेट अवे के अगर कोई प्रोजेक्ट लेस देन वन इंडेक्स देता है तो उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं उसके बाद लिफ्ट फोर को अगर आप एक्सटेंड करते हैं तो उसमें आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है पॉइंट है अब ये जो 1.2 है आप देखिए कि 1.21 पॉइंट पहले का है और चार का 1.2 है तो अपनेटली ये लग रहा है कि ये दोनों लिफ्ट की एक्सटेंशन जो है दिस सीम्स टू बी बेटर इज दिस सीम टू बी लॉजिकल बट अगेन नॉट ऑन दैट बेस देन इफ यू बिल्ड अ न्यू रेस्टोरेंट द इंडेक्स इज 1.18 पॉइंट वन स्टिल पॉजिटिव है एक से ज़्यादा है इसको भी ऑन किया जा सकता है हाउस कॉम्प्लेक्स एड करें उसका भी वन है इसको भी लिया जा सकता है बिल्ड ए इनडोर स्केटिंग रिंग उसका वन पॉइंट जीरो फाइव है तो सिर्फ एक प्रोजेक्ट के दैट इज़ न्यू स्पोर्ट्स शॉप के बाकी सारे प्रोजेक्ट्स का जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है वो वन से ज़्यादा है लेकिन अगर उसको हम निकाल भी देते हैं यानी वन फिफ्टी थाउजेंड जो आपका स्पोर्ट्स शॉप का है उसको निकाल भी दें इवन देन हम सारे प्रोजेक्ट्स ऑन नहीं कर सकते बिकॉज देर इज़ अ लिमिट ऑफ हंड्रेड थाउजेंड अब क्वेश्चन ये है कि फिर किस प्रोजेक्ट को लें प्रायोरिटी में तो देखें नंबर वन ही आता है यानी आप स्काई लिफ्ट थ्री को ऑन कर लें सिमिलरली लिफ्ट फोर को भी ले लें और फाइव को भी ले लें वन पॉइंट टू का भी है बाकी को देख लें अच्छा अगर इनके फंडिंग को देखें आप अगर आप वन यूज़ करते हैं तो फाइव हंड्रेड थाउजेंड लगता है और फ्री को यूज़ करते हैं तो थ्री हंड्रेड फिफ्टी तो एट फिफ्टी हो जाता है और अगर फिफ्थ को ऐड करते हैं तो वो वन मिलियन से एक्टीड कर जाता है क्योंकि इसमें दो लाख है तो हम एक्सीड तो नहीं कर सकेंगे किसी केस में भी क्योंकि लिमिट है वन मिलियन तक जाना है तो लेट्स सी एक कौन से कम्बिनेशन बनते हैं जिसमें हमारा वन मिलियन यूज़ हो जाता है देखें वन टू थ्री अगर वन और टू और थ्री प्रोजेक्ट्स को इकट्ठा करते हैं तो हमारा टोटल ख़र्चा वन मिलियन बनता है और उससे जो रिटर्न आती है अब ये रिटर्न देखें कैसे कैलकुलेट की है इसकी कैलकुलेशन आपके सामने एज सच नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ आप ये देखें कि आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो क्या बनती है रिपीट कर रहा हूँ बात को आपने प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की बेस पे डिसाइड किया जी कि वन टू और थ्री को हम ऐड कर लेते हैं तो आपकी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू बन रही है वो वन ज़ीरो फाइव और टू की नेगेटिव नेगेटिव क्यों है इट्स लेस देन वन पॉइंट फाइव कम है यानी पाँच परसेंट कम है तो जो उसकी कॉस्ट है उसका पाँच जो है वो सात बनता है वो नेगेटिव में आएगा और बाकी पॉजिटिव में है तो वन बनता है यानी अगर आप वन टू थ्री को लें तो आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वन सिक्सटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड आती है दूसरा कंबिनेशन देखें लेकिन वो कहता बट दिस इज नॉट ए ऑप्टीमल स्ट्रेटजी द बेस्ट स्ट्रेटजी कैन बी थ्री फोर एंड फाइव अच्छा थ्री एंड फोर फाइव की कॉस्टिंग को देखें आप थ्री फिफ्टी थाउजेंड फोर फिफ्टी थाउजेंड टू हंड्रेड थाउजेंड ये भी आपका एग्जैक्ट बन जाता है एक मिलियन का और इसकी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू बनती है अगेन नेट प्रू कैसे निकाली है जो एक्सीड कर रहा है ना वन पॉइंट टू है तो जो टू है उसको पॉइंट टू है उसकी हमने मल्टीप्लिकेशन किया उसकी कॉस्ट के साथ तो ये फिग्रें आ जाएंगी आपकी वन नाइन्टी वन तीसरे सिनेरियो में देखें टू फोर एंड सिक्स इसमें भी वन मिलियन बनता है देखिए हमारे पास तीन ऑप्शन हैं या वन टू थ्री को लें या फिर थ्री फोर फाइव को लें या टू फोर सिक्स को लें जिसमें हमारा पूरा वन मिलियन खर्च हो जाता है तो यहाँ जो आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू थर्ड केस में नाइन्टी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड बनती है. तो अपरेंटली नज़र आ रहा है कि हमें थ्री फोर और फाइव को लेकर चलना चाहिए क्योंकि वहाँ हमारे पैसे भी पूरे लग जाते हैं और हमारी जो रिटर्न है हमारी जो एन है वो नाइन्टी वन थाउजेंड बनती है तो दिस इज़ हाउ वी शुड एलोकेट द लिमिटिंग अमाउंट ऑफ मनी अब थोड़ा सा एक और तरीके से भी सोचिएगा देखें तो ये भी एक थोड़ा सा मुश्किल काम है कि हमने देखा कि पिछले दो साल जो हमने डिस्कस किए हैं उसमें नोट किया होगा आपने मैंने कहा कि प्रोजेक्शंस जो हैं यूनिवर्नो के कल के हालात क्या होने जा रहे हैं तो अब जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि उसमें जो एक अनसर्टर्निटी का पहलू है उसको कैसे कंसिडर किया जाए अब ये भी एक क्वेश्चन देखिए इंडस्ट्री इज कंसिडरिंग ए परपोज प्रोजेक्ट फॉर इट्स कैपिटल का एक्सपेंडिचर द कंपनी एस्टिमेट दैट द प्रोजेक्ट्स एन पी वी इज ट्वेल्व मिलियन ऑलरेडी डिसाइडेड है कि उसकी एन पी वी जो है वो ट्वेल्व मिलियन है तो इसका मतलब तो है कि प्रोजेक्ट को ऑन कर लेना चाहिए

रिकोगनाइज दिस अनसर्टिनिटी एंड ऑल्सो परफॉर्म दि फॉलोइंग स्नैरियो एनालिसिस अब उन्होंने एक स्नैरियो एनालिसिस किया क्या है जी कि रिसैशन हो और रिसशन का चांस क्या है पॉइंट जीरो फाइव और बिलो एवरेज हो तो उसका चांस है पॉइंट टू एवरेज है वो फिफ्टी जो पहले उसने एक्सप्लन किया और अबव एवरेज जो है पॉइंट टू और बूम में जो है वह पॉइंट ज़ीरो फाइव आपने एक चीज़ नोट की इसमें कि अगर तो बहुत बुरे हालात हैं तो आपको पॉइंट ज़ीरो फाइव चांस हैं और बहुत ही अच्छे हालात हैं तो भी पॉइंट ज़ीरो फाइव चांसेस हैं एवरेज तो फिफ्टी ही है लेकिन उससे अगला बिलो एवरेज और अबव एवरेज में आपने देखा कि पॉइंट टू और पॉइंट टू है अब नेट प्रेजेंट वैल्यू उसने बताई है सेवेंटी मिलियन ज़ाहिर रिसेशन है तो नेट प्रेजेंट वैल्यू आपकी पॉजिटिव नहीं होगी वो नेगेटिव ही आएगी अगर बिलो एवरेज है तो भी आपकी नेगेटिव आएगी और एवरेज है तो उसमें आपकी 12 मिलियन जो उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन किया है अब एवरेज में जाते हैं तो 20 मिलियन हो जाती है और बूम में जाते हैं तो 30 मिलियन हो जाती है अब देखिए इस तरह से अगर डिसीजन लेना है तो कैसे किया जा सकता है वी का रेज्यूम के जी हम एवरेज में जाएंगे उन्होंने तो एक सिनेरियो एनालिसिस करके बता दिया है कि ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है तो यहाँ पर आप देखें आपको क्या करना पड़ेगा कि वॉट इज दी प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है सिंपली और फिर उससे हमने स्टैंडर्ड एविएशन और को वेरिएशन भी निकालना है मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ पहले आप नेट प्रेजेंट वैल्यू एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू देखें क्या है हमने क्या किया है कि जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है उसको प्रोबेबिलिटी जो है उससे मल्टीप्लाई किया है यानी 70 मिलियन को अगर आप 0.05 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सपेक्टेड वैल्यू 3.5 मिलियन आएगी और अगर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 मिलियन को तो ये 5 मिलियन आएगी ये दोनों नेगेटिव हैं और 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से सो सीख आएगी और इसी तरह से आपने कहा कि आपके 3 मिलियन एवरेज जो है आपको थ्री मिलियन की एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रही है अब नोट कीजिएगा इसमें आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रोजेक्ट को 12 मिलियन की बेस पर और आपने नोट किया कि अगर हम इसमें ये प्रोबेबिलिटी को टेक केयर करें तो सिर्फ तीन मिलियन की रह जाती है तो इट्स नॉट दैट सिंपल कि जी आप सिंपल नेट प्रेजेंट वैल्यू की बेस पर डिसीजन कर लें और बाद में पता चले कि जी हमारी 12 की बजाय 3 मिलियन की नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रही है अच्छा यहाँ भी इस एब्सोल्यूट फिगर पर भी डिसीजन नहीं होता इससे आगे कैलकुलेशन की जाती है जिसको हम कहते हैं स्टेटिस्टिक्स में स्टैंडर्ड एविएशन अब ये स्टैंडर्ड एवियेसन्स क्या है कि डी क्या है बेसिकली डी है जो मीन है आपका तीन और जो आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू है उसका डिफरेंस ये पॉइंट सिक्स फाइव पॉइंट एट एंड थ्री वन एंड माइनस वन पॉइंट क्या है इसका स्केयर किया हमने फोर्टी एंड टू उसके बाद आपने जी टू को मल्टीप्लाई किया प्रोबेबिलिटी से तो ये आपका टोटल आ रहा है 19.725 अब ये स्टेट की कैलकुलेशन है सिंपल स्टैंडर्ड एविएशन की कैलकुलेशन जो की जाती है तो स्टैंडर्ड एविएशन क्या आई आपकी 4.411 यानी आपके जो डिफरेंस आएगा आपके जो आपने जो एस्टिमेट किया है उसमें तकरीबन इतने का डिफरेंस आ जाएगा और इसका सी यानी कोवेरिएशन निकालने के लिए जो डिवाइड करेंगे आपकी जो स्टैंडर्ड एवियशन है उसको मीन से तो ये बनता है 1.48 परसेंट अब इसमें जो पॉइंट है नोट करने वाला वो ये है कि अगर तो डिफरेंस वन पॉइंट परसेंट है विच इज़ नॉमिनल इन माई ओपिनियन लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो तो फिर तो एक चांस होता है ना कि हमारा प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा चलेगा नहीं ठीक नहीं है ऑन नहीं करना चाहिए लेकिन अगर डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ वन इसका मतलब क्या है कि आप जो कर रहे हैं उसमें वेरिएशन आएगा मैक्सिमम 1.48 परसेंट आप कह लें 1.5 परसेंट सो दिस वेरिएशन इज़ नॉमिनल तो ये भी हमने देखना होता है कि क्या हम किसी प्रोजेक्ट को ऑन करने के लिए उसमें जो अनसर्टनिटी इन्वॉल्व है उसको कैसे टेक केयर करें इसको मैं मुजीद एक्सप्लेन करूँगा आपको एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेके कि देखें इसमें क्या है इसमें ए फॉर्म इज़ कंसिडरिंग थ्री प्रोजेक्ट्स एक भी नहीं तीन प्रोजेक्ट्स हैं ए बी सी और तीनों को अलग अलग देखना है पहले क्वेश्चन में क्या था कि एक बात हो रही थी। यहाँ पर तीन प्रोजेक्ट तीनों को देखेंगे In आप इसको लंबा चौड़ा भी कर सकते हैं चार सालों में भी जा सकते हैं पांच सालों में भी जा सकते हैं लेकिन हम इसको एक साल का ही रख रहे हैं एंड नो प्रेजेंट वैल्यू फाइव सेपरेट नेट कैश इनफ्लोज लेस Initial outlays have been forecast for each project, and their estimated probabilities of occurrence are given in the following table. Abisko zarar per layer. Okay, kya hai? Because initial outlay, which is, is your 12 million here in this project. Mein. 12 lakh is sorry, million not. That is 12 million, uh, 1200 thousand of your project. But the probability cash flow is that you will get 4000, and 10000, and 20000. तीस हज़ार आएगा छत्तीस हज़ार आएगा ये लगा आप रहे हैं बारह हज़ार है। लेकिन उसकी जो प्रॉब इनफ्लो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं चार से ले कर छत्तीस हज़ार तक है लेकिन इसमें नेट कैश फ्लो क्या बनता है फिर यानी जो आपका आउटफ्लो है बारह और, और चार का डिफरेंस वो आठ दो आठ अट्ठारह और चौबीस अब ये तो है नेट अब इसको अगर प्रोबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं जो प्रॉबीबिलिटी आपके सामने है उसने दी हुई है कि ए प्रोजेक्ट की चांसेस हैं कि जी आपका पॉइंट वन पॉइंट टू पॉइंट फोर पॉइंट टू पॉइंट ये हमेशा यहाँ यादव प्रॉबिलिटी इज इक्वल टू वन होती है हमेशा ही अच्छा जिस तरह बी प्रोजेक्ट को देखें उसमें इन्वेस्टमेंट सिर्फ छः हज़ार की है और उसमें भी हमने इसी तरह से देखा कि कैश फ्लो जो है दो है पाँच है दस है पंद्रह है और अट्ठारह है फिर नेट कैश फ्लो हमने डिफरेंस लिया इनिशियल आउटले का आउटले का मतलब होता है कैश एक्सपेंस और डिफरेंस लिया नेट कैश फ्लो निकाला चार माइनस में एक माइनस में चार नौ और बारह और उसकी प्रॉबीबिलिटी उसने बता दी है पॉइंट टेन पॉइंट टू पॉइंट फोर पॉइंट टू पॉइंट अब ज़रूरी नहीं है कि सब की प्रॉबीबलिटी इसी रेंज में हो हर प्रोजेक्ट की प्रॉबीबिलिटी डिफरेंट हो सकती है तो इसमें देखें अब सी प्रोजेक्ट में भी इसी तरह से आप देखें कि अगेन आप बारह लाख ही लगा बारह हज़ार ही लगा रहे हैं और कैश फ्लो जो है इसमें टेन फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव थर्टी और इसमें भी नेट कैश फ्लो जो निकाला आपने टू माइनस में थ्री एट थर्टीन एंड एटीन प्रोबलिटी ऑफ करेंस जो है वो भी आपने देखे कि इसमें देखें पॉइंट वन नहीं है पॉइंट जीरो फाइव है और उसके बाद पॉइंट टू है पॉइंट फाइव है पॉइंट टू है और फिर पॉइंट ज़ीरो फाइव है अगेन वन है अब देखना ये तीनों ए बी और सी ये तीन प्रोजेक्ट हैं इन तीनों में कौन सा ज़्यादा रिस्की है उसको हमने सॉर्ट आउट करना है उसकी कैलकुलेशन देखें थोड़ी सी मुश्किल हो जाएंगी लेकिन समझ में आ जाएगी प्रोजेक्ट ए को देखें प्रॉबिबिलिटी ली हमने पहले पॉइंट वन पॉइंट टू पॉइंट फोर पॉइंट टू पॉइंट वन और उससे जो आपका नेट कैश फ्लो आया है मैंने दोबारा से कैलकुलेशन नहीं की वो कैलकुलेशन पहले हुई भी है तो वहीं से हमने फिगरें उठा ली हैं माइनस एट माइनस टू माइनस एट एटीन और ट्वेंटी फोर यहाँ से आप वेटेड है यानी मल्टीप्लाई करें इसको आप प्रॉबीबलिटी uh, से तो आप एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे विच इज टोटल आएगी एट ऑफ ए प्रोजेक्ट रिपीट कर रहा हूँ कि नेट कैश फ्लो को आप प्रॉबीबलिटी से मल्टीप्लाई करें तो जो फिगर टोटल करके आएगी आपको वो आती है एट ये आपका मीन है और इससे आप डेविएशन निकालें कि अगर ये आठ है तो आपके डेविएशंस क्या बनेगी एट माइनस एट इज़ इक्वल टू प्लस हो जाएंगे ना एट माइनस 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 प्लस होकर सिक्सटीन फिर टेन फिर टेन फिर सिक्सटीन और फिर इसकी स्केयर किया आपने तो वही जो पहले क्वेश्चन में किया हमने स्केयर करने से जो टोटल आ रहा है और फिर उसको मल्टीप्लाई किया आपने अगेन प्रोबेबिलिटी से तो वेरिएंस आया आपका 91,200 अब इसकी स्टैंडर्ड एवियशन के लिए इसका रूट निकालें तो ये फिगर बनती है 9,550 के करीब सो so, देखें इसकी इनिशियल कॉस्ट थी 12,000 और उसमें जो आपकी स्टैंडर्ड एविएशन आ रही है 9,950 के करीब इट्स ए वेरी रिस्की प्रोजेक्ट और अगर इसको हम को वेरिएशन में कन्वर्ट करते हैं तो ये हंड्रेड बनता है विच इज़ वेरी हाई रिस्की प्रोजेक्ट अब देखें प्रोजेक्ट बी को देखते हैं कि प्रोजेक्ट बी में भी आपने सेम प्रोसेस करना है कि नेट कैश फ्लो आपके पास अवेलेबल है वेट आप मल्टीप्लाई करके निकाल लें प्रॉबलिटी से और उसकी जो मीन आएगा आपका वो चार है और डेवियशंस निकालें फिर वो आपका एट फाइव और फाइव और एट है उसको स्केयर कर लें वो भी आपके सामने आ गया और फिर प्रॉबीबिलिटी से मल्टीप्लाई कर लें अब प्रॉबीबिलिटी से मल्टीप्लाई करें तो आपका वेरिएशन जो है ट्वेंटी है अब इसमें भी नोट करें कि 22,800 जो है इसका अगर रूट निकालते हैं तो 4,775 की डेविएशन आती है स्टैंडर्ड डेविएशन आती है और अगर इसको हम सीवी में नीचे चले जाते हैं तो सीवी जो है इसकी वो 119.9 परसेंट ये उससे भी ज़्यादा रिस्की प्रोजेक्ट हो गया यानी जहां आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं छः की वेरिएशन आ रही है, चार की और अगर उसको कन्वर्ट कर ले हम कोफिश वेरिएशन में तो परसेंटेज जो आती है वो वन नाइनटीन परसेंट आती है तो ये उससे भी ज़्यादा रिस्की प्रोजेक्ट है अब आप सी को देखें कि सी में क्या है कि सी की भी प्रोसेस वही होगा कि आप लेंगे प्रोबेबिलिटी फिर उसकी नेट कैश फ्लो और उसको वेट निकालेंगे और डेविएशन निकालेंगे उसका स्केयर करेंगे और फिर उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं अब इस केस में देखें जो वेरिएशन आ रहा है वो ट्वेंटी थाउजेंड का आ रहा है और इसमें जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो चार हज़ार चार सौ बहत्तर की आती है इसको इस तरह से भी समझ लें आप कि अगर हमारा प्रोजेक्ट की कॉस्ट फ़र्ज़ कर लें जिसमें बारह है तो इसमें वेरिएशन जो है ना आपके चार हज़ार चार सौ बहत्तर की आएगी और इसका अगर परसेंटेज में लें कोई वेरिएशन निकालें तो वो फिफ्टी सिक्स परसेंट बनता है दैट इज़ फिफ्टी सिक्स परसेंट बनता है तो द स्टैंडर्ड एविएशन इज़ इंडिकेशन ऑफ द डिस्पर्शन ऑफ़ द पॉसिबल आउटकम प्रोजेक्ट बी एंड सी आर कंपेरेटिव सी बट प्रोजेक्ट एज डिपर्शन इज़ डबल दैट ऑफ प्रोजेक्ट बी एंड मोर दैन डबल दैन प्रोजेक्ट सी तो हमें देखना है कि सी जो है वो कम रिस्की है कंपेयर टू ए और बी तो ये जो डेवियशन का इशू है कि नहीं स्टैंडर्ड डेवियशन में और फिर कोफिशेंट में डिसीजन मेकिंग में ये होता है कि हम सी वी पर जाकर डिसीजन करते हैं यानी स्टैंडर्डियशन की बेस पर डिसीजन नहीं करते बल्कि को फिशेंट वेरिएशन निकालते हैं उस पर डिसीजन करते हैं तो जिसका डिसीजन जिसमें ज्यादा कॉस्ट पड़ रही है या जिसमें ज्यादा वेरिएशन है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं देखिए इस केस में हाउ आर इस कैन बी मिसलीडिंग कंपेरिजन बिकॉज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ प्रोजेक्ट इज ट्वाइस दैट ऑफ प्रोजेक्ट बी बट इट इज़ नो रिस्कियर दब्सोलूट वैल्यू दिए आर नॉट कम्पेरेबल फॉर वेयरिंग एक्सपेक्टेड वैल्यूज जैसे मैंने कहा कि को एफिशेंट ऑफ वेरिएशन मेक्स दम्पेरिजन रेलिटिव रिलेटिविटी के लिए जरूरी है कि आप किसी भी प्रोजेक्ट का सी बनाएंगे एंड इट टेक्स अकाउंट द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट्स एज मैड बाई दे आर एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ द इंडिकेशन इज़ देट प्रोजेक्ट एंड बी आर बहुत मोर देन टाइस एज रिस्की एज प्रोजेक्ट सी तो सी देखें कम रिस्की है ए और बी जो है वो ज़्यादा रिस्की है अब आपने देखा कि हम इस तरह से भी ये कैलकुलेशन कर लेते हैं अब इसमें मैं एक जनरल रूल बताता हूँ आपको कि हम ये जो प्रॉबिलिटी है इसको और आसान करते हैं फाइनेंस में कि हम एक सर्टनिटी इक्लेंट फैक्टर लगा लेते हैं अब ये सर्टर्निटी इक्वलेंट फैक्टर क्या है बहुत सिंपल है क्योंकि देखिए चेंजेस देर एंड देर लॉट ऑफ चेंजेस आर गोइंग टू अपन हीयर एंड देयर और फिर हम ये भी देखें कि जितना पीरियड लॉन्ग होता चला जाता है उसकी प्रोजेक्शन मुश्किल होती चली जाती है तो हम क्या करते हैं कि जीरो ईयर में तो हम कहते हैं कि हंड्रेड परसेंट श्योर के जितने ही पैसे मिल जाएंगे आपको लेकिन यानी आज जितने पैसे हैं तो हंड्रेड परसेंट श्योर है लेकिन ईयर वन में हो सकता है नाइनटी एट परसेंट ईयर टू में हो सकता है नाइन्टी फाइव परसेंट एयर थ्री में नाइन्टी परसेंट एयर फोर में हो सकता है एटी टू परसेंट तो हम क्या करते हैं कि हमारी जो ईयरली इनफ्लोज़ हैं उनको इस सर्टर्निटी इक्वलेंट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं यानी इंस्टेड ऑफ़ यूजिंग प्रोबेबिलिटी, हम सर्टर्निटी इक्वलेंट यूज़ करते हुए मल्टीप्लाई करके एक फिगर वर्कआउट कर लेते हैं और उस उस फिगर को फिर हमारे फर्दर डिस्काउंट करते हैं और फिर नेट प्रजेंट वैल्यू निकालते हैं या पे पीरियड निकालते हैं या आई निकालते हैं ये तो इस तरह से हम अपनी एक और एडिशंस भी कर सकते हैं कि जी हम सर्टन टीक्लेंट्स ऐड कर लेते हैं और इसी तरह से एक और टेक्निक जिसको हम कहते हैं रेडार रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट यानी आप डिस्काउंट रेट में भी एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं जैसे हमने कैश फ्लोज में एडजस्टमेंट किए हैं सर्टन टीकेंट से इसी तरह से हम अपना रेडार का जो एक फैक्टर है उसमें एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं यानी डिस्काउंटिंग रेट जो है हमारे यहाँ तो ये रिवाज नहीं है कि कंपनी के जो है आ, ए बी सी में वो कन्वर्ट कर रहे होते हैं अच्छी है बुरी है तो ए बी सी चल रहे हैं लेकिन बाहर ये होता है कि वो पॉइंट्स देते हैं यानी एक रिस्क फैक्टर एलोकेट करते हैं जो ज़्यादा रिस्की होते हैं उसका फैक्टर ज़्यादा होता है जो कम रिस्की होते हैं उसका फैक्टर कम होता है और आप ये देखें कि जो प्रोजेक्ट आप ऑन करने जा रहे हैं जिस इंडस्ट्री में आप हैं उसका रिस्क फैक्टर क्या है और उस रिस्क फैक्टर के अगेंस्ट वो ये भी बताते हैं कि इसको आप इतने परसेंट से डिस्काउंट करें तो ये भी एक तरीका होता है कि आप रेडार जो है उसको यूज़ करते हुए आप अपनी कैश फ्लो को एडजस्ट करें और फिर उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू या आई आर आर वगैरह कैलकुलेट करें इनशाला वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर बिकॉज इट्स स्टिल लॉट ऑफ थिंग्स टू बी डिस्कस और वी सी यू नेक्स्ट टाइम इनशा अल्लाह हाफ़